अस्सलाम वालेकुम असलर्स कैसे हैं आप सब लोग मीडिया कैप आप सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ तो आज आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा टेस्टी भी बहुत है जल्दी भी बहुत बन जाता है मीठे की कोई सी भी रेसिपी हो बच्चों बड़ों सभी को मीठा बहुत अच्छा लगता है मुझे तो खैर बहुत पसंद है मीठा और इन ये ब्रेड का मीठा जो मैं बना रही हूँ आपको बहुत रेसिपी ये पसंद आएगी तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं डेजर्ट की तरफ चलते हैं बनाते हैं अपना ज़बरदस्त सा मीठा तो यहाँ पे मैंने एक किलो दूध ले लिया है उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया चूल्हे पर और यहाँ पर लाइट चली गई थी तो इसलिए मैंने मोबाइल की रोशनी से जो है वो काम चलाया है और यहाँ पर मेरे पास है चीनी मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और दूध जैसे थोड़ा सा गर्म होना शुरू हुआ तो उसमें मैंने ऐड कर दी है जी चीनी फिर है कि चीनी भी इसमें मिक्स हो जाएगी अच्छे से फिर बाद में हम रेडी कर लेंगे कस्टर्ड का पाउडर जो हमने दूध में मिक्स करना है वो अब बना लेंगे कस्टर्ड आप अपने हिसाब से ऐड करें जितना आप करना चाहते हैं लेकिन मैंने जो है वो कम ही ऐड किया था तो यहाँ पर जो है वो मैं कस्टर्ड जो है वो अच्छे से मिक्स कर लूँगी दूध में तो दूध को अब बॉइल आ चुका है और इसमें हम ऐड कर लेंगे जी वनीला कस्टर्ड जो हमने घोल बनाया वो ऐड कर दिया अब अच्छे से इसको करेंगे मिक्स अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हम इसको पकाएंगे सात से आठ मिनट के लिए ही सात आठ मिनट में ये रेडी हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर भी कमी ऐड किया था क्योंकि मैंने इसको पतला रखना है गाढ़ा नहीं करना है तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है इसको हम रखेंगे साइड पर ठंडा होने के लिए और अब चलते हैं जी हम अपने ब्रेड की तरफ यहाँ पर मैंने ले लिया है दूध की बलाई फ्रेश जो है ये दूध की बलाई है ये मैंने ले ली है और साथ में मैंने ले लिया है मिल्क पाउडर तो दूध की बलाई में हम ऐड कर लेंगे आप मिल्क पाउडर इसको अच्छे से करेंगे मिक्स तो अब यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है अब मेरे पास हैं जी ब्रेड के स्लाइसिस अब जो ब्रेड का ब्राउन वाला पार्ट है ना ये हम छुरी से कट कर लेंगे इसको अलहदा कर लेंगे अगर आप चाहें तो ये साथ रहने दें आ, वैसे अगर कट कर लेंगे तो ज़रा अच्छा लगता है तो यहाँ पे जो है इनकी साइड्स मैंने कट कर ली हैं छुरी से अब इनके दरमियान में से जो है ना चार चार हिस्से कर लेंगे यानी कि एक ब्रेड के ना चार पीस कर लेंगे ठीक है और ये जो ब्राउन वाला पार्ट है इसके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं ठीक है और अब जो है कस्टर्ड ठंडा हो चुका है हमारा तो इसके ऊपर जो एक क्लेयर सी आ गई है उसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर हम एक लेंगे डिश उसमें हम हाफ़ कस्टर्ड जो है वो ऐड कर लेंगे और हाफ़ बचा के रख लेंगे अभी हम पूरा ऐड नहीं करेंगे और यहाँ पे मैंने ले ली है जी एक ब्रेड का पीस लिया उस पर वो मिल्क पाउडर का जो मिक्सचर बनाया वो लगाया और उसके ऊपर दूसरा ब्रेड रखा इस तरह जो है हम सारे बना के कस्टर्ड में रख लेंगे ये देखे मैंने सारे जो है वो बना के इसमें रख लिए हैं और इसके बाद जो हमारा बच के ना मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर वो हम ऐड कर लेंगे कस्टर्ड में जो हमारा कस्टर्ड आधा बचा हुआ था उसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको तो अब हम अपने जो डिश है उसमें डाल देंगे ये वाला कस्टर्ड ताकि अच्छे से हमारे जो ब्रेड है वो इसमें सॉफ्ट हो जाए डिप हो जाए अच्छे से और फिर ऊपर डेकोरेशन आप किसी चीज़ से भी कर सकते हैं पिस्ता बादाम से आप गार्निश कर लें मैंने इसको गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं उससे गार्निश किया और साथ में पिस्ता थोड़ा सा लगा दिया ऊपर तो गार्निश आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें तो लेकिन अगर गुलाब की पत्तियों से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको भी देखने में अच्छा लग रहा है ना तो अगर आप इसे डेकोरेट करना चाहें गार्निश करना चाहें तो कर सकते हैं अच्छा लगेगा देखने में भी अच्छा लगेगा और उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़